किस स्टेज पर क्या होगा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम डिस्टेंस की बात करें उसके हिसाब से इन स्टेजेस को बनाया गया। 800 से 1300 मीटर की दूरी पर क्या होगा, सभी सेंसर टेस्ट करेगा। जी हाँ, यहां पर पूरी तरह से आश्वस्त किया जाएगा कि क्या हर प्रक्रिया इस दूरी के हिसाब से सही जा रही। अब थोड़ा और चांद के करीब पहुंचेंगे, 150 मीटर की दूरी पर यह दूसरा स्टेज होगा। खतरे के संकेत चेक करेगा और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट का भी फैसला लेगा। लैंडर गड्ढा या पहाड़ होने पर आगे बढ़ जाएगा, अगर ठीक लैंडिंग की जगह जो लोकेट की जा रही है वहां कुछ सही नहीं लगा तो। अब देखिए और नजदीक, 3 मीटर प्रति सेकेंड सेफ लैंडिंग के लिए अधिकतम स्पीड यही होगी, इसके ऊपर नहीं जाएगा, बहुत कम रफ्तार के साथ, क्योंकि हमने यह भी बताया कि 0 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार तक पहुंचना है। अब रफ्तार और कम होगी, 2 मीटर प्रति सेकेंड सुरक्षित लैंडिंग के लिए यह अपेक्षित गति है और इसके बाद एक्चुअल लैंडिंग होगी। तो ये स्टेजेस हैं जिसमें रफ्तार तो कम होगी लेकिन उस सरफेस की भी स्टडी पूरी तरह से की जाएगी। झा सर के पास मैं जाना चाहूंगा। झा सर, ये सारी चीजें हम बता रहे हैं चरणबद्ध तरीके से, जरा मुझे और दर्शकों को भी ये हम चाहेंगे कि आम भाषा में समझाइए कि ये जो स्टेजेस हैं वो क्यों बनाए गए हैं और इन स्टेजेस में ये जो रफ्तार कम की गई है उसका क्या गणित है या वो रफ्तार किस लिहाज से कम किया गया है, क्योंकि अगर जीरो स्पीड पे पहुंचता है और उसके बाद भी सरफेस उतरने लायक नहीं होता तब क्या होगा। आपको आवाज मिल रही है मेरी? नोटियाल सर, इस सवाल का मैं चाहूंगा आप ही जवाब दें। ये जो स्टेजेस बनाए गए हैं, ये जो स्पीड का कैलकुलेशन है, जी, ऐसा है, और सरफेस को जांचने की बात है, ये इसका पूरा गणित क्या है? जी लगातार देखिए, एक तो वेलोसीमीटर लगे हुए हैं इस लैंडर में, तो लगातार स्पीड भी मॉनिटर होती रहेगी। इसके साथ जो मून की सरफेस से दूरी है उतरने वाले मॉड्यूल की, वो भी लगातार मॉनिटर होती रहेगी। कैमरे लगातार नीचे जो क्षेत्र लूनर सरफेस है उसको फोटोग्राफ करके चेक करते रहेंगे कि वहाँ पर कोई क्रेटर या कोई पत्थर तो नहीं है, और उसके आधार पर वो निर्णय करेंगे कि हम क्या दाएं बाएं थोड़ा सा आगे खिसके। और उसके बाद, क्योंकि जैसा मैंने कहा, पिछली बार की तुलना में इस बार लैटिट्यूड काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, करीब 4 किलोमीटर्स बाई 2.4 किलोमीटर्स का क्षेत्र है, उसमें से कहीं पर भी ये उतर सकता है, और अगर बहुत आवश्यकता पड़ी तो ये उसको पोस्टपोन करके 3 या 4-5 दिन के बाद भी उतरने का प्लान कर सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। वेलोसिटी लगातार मॉनिटर हो रही है, 3 मीटर हुई या 2 मीटर है, 2 मीटर से ज़्यादा ना हो तो अच्छा है, और उस समय जब वो वहाँ पर उतरेगा नीचे समतल होना चाहिए, चंद्रमा की सतह भी वहाँ पर बिल्कुल इवन होनी चाहिए ताकि ये उतरे तो इसका बिल्कुल इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा और यही जो सारे स्टेजेस हैं उनमें इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ये इंश्योर किया जाएगा।